हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। रिसर्च ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं वापस आ गई मेरा सेकंड वीडियो लेके पापड़ के ऊपर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पापड़ कैसे बनाते हैं और अभी उसका रिव्यू देना कि कैसा बना है। तो ये देख लो, आपके सामने ही है। ऐसा मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसा बना है क्या है, देख लो इतने अच्छे पापड़ बने हैं। और अभी इसको मैं आपको फ्राई करके भी बताऊँगी, तो आप यहाँ चलो अभी आगे देखते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और गैस को फास्ट रखा पहले, तो क्योंकि तेल को एकदम गर्म होने के लिए, और फिर पापड़ तलते समय थोड़ा स्लो, और उसके साथ मैंने थोड़ा पूरी आलू के पापड़ सब लिए, क्योंकि हम लोग सब बनाते हैं घर के लिए, खाने के लिए सब आता है हमारे घर में। तो ये सब पापड़ सब मतलब सब फ्राई करके बताऊँगी सब पापड़ कैसे बनाते हो। धीरे धीरे एक एक वीडियो आपको आपके सामने सब लेके आऊँगी मैं। तो अभी ये देख लीजिए कैसे फूक गया पापड़, कितना अच्छा फ्राई हो गया। और अभी बटाटे का पापड़ भी हम फ्राई करके बताएंगे आपको, कुरौड़ी भी बताएंगे क्योंकि कुरौड़ी भी अच्छी रहती है। और ये देखो बटाटे का पापड़ भी अच्छे से फ्राई हो गया और अच्छे से बड़ा हो गया है। तो आप देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और ये देख लो अभी बटाटे का पापड़ भी अच्छे से फ्राई हो गया है, और अब इसमें कुरौड़ी भी डालेंगे, वो भी करेंगे फ्राई। और जो आप देख लो कुरौड़ी इतनी छोटी होती है, इतनी बड़ी होकर खाने के लिए भी अच्छी होती है, टेस्ट भी मस्त होता है। मैंने भी फर्स्ट बार ट्राई किया था क्योंकि पहले कभी खाई नहीं थी मैंने भी, यहाँ आके शादी के बाद ही पता चला कि ये भी बनती है। तो हमारे घर पर हमारी सास ने बनाती है और मैं भी थोड़ा हेल्प करवाती हूँ, मुझे नहीं पता पर थोड़ा हेल्प करवाती हूँ। और मकई के पापड़ भी मस्त बनाते हैं, और वापस आप एक बार और देख लीजिए कि कैसे फ्राई हो गया इतना अच्छा बड़ा वगैरह। तो इजी है घर पे बनाने और अच्छा भी लगता है, घर पे बने रहते तो कभी भी फ्राई करके खा सकते हैं, कोई मेहमान आते तो दे भी सकते हैं फ्राई करके। और बटाटे के पापड़ तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि फास्ट वगैरह रहे और कोई आ जाए फास्ट का तो उनको भी फ्राई करके दे सकते हैं। और बटाटे की चिप्स भी हम बनाते हैं घर पे बनाते, वो भी हम बाहर से नहीं लेके आते। तो कोई आ गया ऐसा मेहमान की नहीं भी आज मेरा फास्ट है और मैं नहीं खा सकती, तो हम चिप्स भी फ्राई करके दे सकते हैं और बटाटे के पापड़ भी फ्राई करके दे सकते हैं। तो आप भी घर पे ट्राई करना, और मैं सबकी रेसिपी लेके आऊँगी बटाटे के मतलब पापड़ की, और बटाटे चिप्स और कुरौड़ी की, और भी हम मैदे के पापड़ भी बनाते और सबके। तो मैं धीरे धीरे करके, एक तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और आगे से शेयर कीजिए, जो हमें मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ हम और आगे से आगे। तो रिसर्च ब्लॉग को शेयर फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, और आप और कमेंट भी कीजिए तो हमें पता भी चले। ठीक है, चलो।